था, कोई शहर को हम कब्जा करने वाले तो थे नहीं, कोई यहाँ पे आके हम बगावत नहीं करते, डाक बंगले में जाते तो क्या ज्यादा से ज्यादा मुंह हाथ धो के निकल जाते, कौन सा जिंदगी भर मुझे वहां बैठना था। इसी से पता चल जाता है कि ये लोग खुद अपने ही फैसले से, कोई वो मतलब उनको अपना ही फैसला समझ नहीं आता। अगर 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने फैसला लिया, जो करगिल लेह को उन्होंने जम्मू कश्मीर से अलग किया, जो उन्होंने आपको हमसे अलग करने का फैसला किया, वो अगर आपके दिल की तमन्ना होती तो इनको किस बात पे घबराहट। अगर ये आप लोगों की मांग थी, अगर ये आप लोगों को चाहिए था, अगर आप इस फैसले से मुतमैन थे, अगर आप खुश थे, तो फिर यहां माइक होना ना होना, डाक बंगला रहना ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या, नाराजगी का इजहार सिर्फ साल में एक दिन होता है। आज 31 अक्टूबर है, पता नहीं क्या दिन मनाया है इन्होंने, जहां कोई खतरा ही नहीं है, जहां हम कोई माहौल बिगाड़ेंगे नहीं, कोई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे, कोई धमकी नहीं देंगे, वहां पे घबराहट। जैसे नासिर ने कहा, हमारा एक ऐसा रिश्ता है जो कि ये अगर नक्शे पे नकली लकीर खींच भी लें, उस रिश्ते में कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमजोरी नहीं आएगी। हम जानते हैं ना आप पे क्या गुजर रही है, हम जानते हैं आप किन हालात में हो, किस तरह आपके हर चीज को नजरअंदाज किया जाता है, किस तरह आपके जज्बात जो है उनकी कदर नहीं होती है, आपकी बात की कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए मैंने नासिर और अपने साथियों से कहा, मैंने कहा ना बहुत देर हो गई है, मैं आना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं, यहां अपने दोस्तों को, अपने साथियों को ये एहसास देना चाहता हूं, मतलब आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम भूले नहीं है आपको। ऐसा नहीं है कि हम आपको, तो अगर आज माइक नहीं है, अगर कल होगा तो क्या जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। अगर कल करगिल से वापस आते हुए मैं यहां सिस्टम लगा के तकरीर करूंगा तो क्या आज और कल में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मैं 6 साल जम्मू कश्मीर का वजीर आला रहा, इस तरह के फैसले मुझे समझ नहीं आते, क्या होगा। अब मुझे बताएं ना, आप लोग यहां जमा हो गए, आज हमने मुलाकात की, मैं यहां से आगे करगिल चला जाऊंगा, आप लोग अपने घर चले जाओगे, क्या होगा, क्या तूफान मचेगा। लेकिन खामखा की घबराहट। ये तो शुक्र करो कि हमने थोड़ा सा इनके साथ बातचीत करके इनको कहा कि ना हमने आना ही आना है, नहीं तो इन्होंने कागजी तौर हमें एक फरमान यहां से भेज दिया था कि आप मत आइए। इन्होंने कहा आप आओ ही मत। ने कहा ना इतना क्या डर है, वहां तो चीन आ गई, चीन को आप रोक नहीं सके, चीन को आप वापस भेज नहीं सके, उसमें तो आपकी बहुत बहादुरी नहीं। हमने जब श्रीनगर से द्रास होते हुए करगिल जाना था, आप कहते हो मत आओ। जहां हो हमें मौका मिलता है हम आपकी बात करते हैं, जहां हो सकता है हम आपकी बात की नुमाइंदगी करते हैं। बेशक फारूक अब्दुल्ला साहब आपके मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, बेशक हसनैन मसूदी साहब आपके मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन जब पार्लियामेंट में बात करते हैं, पार्लियामेंट के बाहर बात करते हैं, तो करगिल के लोग, द्रास के लोग, मतैन के लोग, यहाँ के लोगों की बात वो जरूर करते हैं, आपके मुश्किलात का जिक्र होता है और कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं उन बातों की सुनवाई हो। बाकी रही बात तंजीम की, हमारी तो कोशिश है कि हमारी तंजीम जो है यहाँ पे मजबूत रहे,
आगे जो भी इम्तिहान है हम मिलके उन इम्तिहानों का सामना करेंगे। एनीथिंग एल्स?